नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। और आंखों से आंसू आ गए क्योंकि अभी थोड़ा जस्ट पहले मैंने बाइक जो है भगाया था यहाँ पे, और यहाँ मैं आया हूँ हाईवे अपने भाई के साथ। कालू जो है गांव से आ गया, जो व्लॉग देखे हो गया आप लोगों ने। तो आज मैं जा रहा हूँ एक्सपल्स में, यहाँ से जो है थोड़ा छोटा सा राइड होगा हमारे एसजे कैम में जो है शूट करूंगा। इसमें थोड़ा जो वॉइस ओवर ऊपर नीचे होगा, लेकिन पूरा वीडियो जो है अब एसजे कैम में शूट होगा। पिछला क्लिप मैं डाल देता हूँ, वहां से जो है यहाँ से पूरा चालू हो जाएगा व्लॉगिंग। और यहाँ पर जो है अपन राइड करने आए हैं क्योंकि कितने दिनों से हम लोगों ने गाड़ी को चलाया भी नहीं है, और चलाऊंगा क्योंकि बहुत मन कर रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने का। जहां तक हो सकता है वहां तक जाएंगे और फिर वहां से जो है हम लोग घर निकल जाएंगे। तो चलो व्लॉग को जो है स्टार्ट करते हैं। ये जैसे ही हाथ पड़ेगा तो वहां से हाथ चालू हो जाएगा। तो यार सबसे पहले तो बताना कि मेरे को ये सेटअप कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सेटअप बहुत मुश्किल से मैंने 2 दिन का टाइम लेकर बनाया था। उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है चैनल पे। तो क्या यार बहुत मुश्किल था सेटअप बनाने, लेकिन बन गया है। और अब देखो और बताओ कैसे लग रहा है। आज ज़्यादा ज़्यादा फोकस होगा मेरा इसके स्पीड पे, थोड़ा स्पीड भगाऊंगा। आज देख सकते हो अभी 85 और 90 तक मैंने भगा दिया है बाइक, और यहाँ 100 पे मैं लेके जाऊँगा बाइक को। और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। फ़ोन आ गया किसी का वॉइस ओवर में, तो यार सॉरी वॉइस ओवर में भी कॉल आ जाते हैं। तो मैं कहा था ये नज़ारे देखो यार क्या सुंदर लग रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। जे कैम में शूट हो रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी आपको डाउन मिलेगा, लेकिन इसके किस्तें भी तो भरनी है, इसलिए इसमें जो है मैंने वीडियो बना लिया। और देखो स्पीड भी 102-104 भगा रहा हूँ। टॉप स्पीड अभी मैंने इसको 113-112 के आसपास भगाया था, आगे में आपको दिख जाएगा। और लेकिन जो है बाइक काफ़ी ज़्यादा सुंदर और स्मूथ चल रही है। 100 पे भी बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है मेरे को। फिफ्थ गियर, अगर सिक्स्थ गियर रहता तो बात ही कुछ और होती है, में वाइब्रेशन बहुत कम हो जाता है। 100 के ऊपर भी चलाता तो मैं। और यहाँ नीचे में भाई मेरा चैन लगा रहा है स्वेटर का, क्योंकि ये जो है स्वेटर जो हवा आ रही है ना अंदर घुस जा रही है, और इससे जो है मेरे को लग रहा था कि स्पीड कम हो रही है। तो मैं पहले इसको लगवाऊंगा और यहाँ से जो है फिर जो है भगा के देखेंगे कि कितना जाती है अब। और इसमें जो है भगाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले स्लोप पे ऊपर चढ़ाएंगे, फिर जो है नीचे उतरेंगे। और ये लंबा कम से कम ये वाला हाईवे है अपना, 34 से 48 किलोमीटर तक हम लोग आगे जाते हैं इसमें। वीडियो में तो मैं ज़्यादा आगे नहीं गया हूँ, लेकिन इसमें पाताल भैरवी का मैंने वीडियो बनाया था एक, और आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और जल्दी देखिए। 100 days of 100 व्लॉग्स आएंगे यार, चैनल को सब्सक्राइब करो आप बस। अभी ये देखो सामने टोल प्लाजा आने वाला है, टोल प्लाजा को पार करते हैं और उसके बाद से जो है वीडियो आगे का बनाएंगे। चलो यार। अभी जो है मैं एक लॉन्ग राइड करके आया हूँ अपना क्या बोलते हैं गरियाबंद की तरफ से इस बाइक में, तो उसका वीडियो भी जल्दी से चैनल पे आ जाएगा, और जल्द से जल्द चेकआउट कर लेना। अभी जो है आगे और चलते हैं। और देखो क्या मस्त लग रहा है आज ये बाइक चला के, मेरे को आवाज़ शायद ही आ रही होगी आपको ये बाइक की, क्योंकि एसजे कैम में जो है बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होता है वॉइस। इसके अलग से अडेप्टर लूँगा तो वॉइस वाला मेरे को ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं ख़रीद रहा हूँ उसको, क्योंकि ये बहुत हल्का है हमारा। और यार यहाँ से जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आप भी इंजॉय करो यहाँ। तो यार यहाँ पर देख सकते हो बाइक 112-113 तक पहुँच गई थी, और इससे आगे भी मैं लेके जाने वाला था, लेकिन जो है मैं लेके नहीं जा रहा था क्योंकि रोड में मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। और लेकिन काफ़ी ज़्यादा 113-112 पे भी मेरे को उतना ही वाइब्रेशन नहीं हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि 120 तक जो है ये गाड़ी यहाँ पर चल जाएगी। लेकिन 113 तक जो है मैंने लेके गया, जितना कोशिश कर सकता था उतना किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर बाइक चला के। थोड़ा सा खतरा भी है क्योंकि ट्रक जा रही है बाजू से देख सकते हो, और उतना भी मतलब वो नहीं है, यहाँ पर डर लगता है गाड़ी चलाने में मेरे को भी। और यार यहाँ पर हम लोग रुके हैं, और देखो क्या नज़ारे हैं, मस्त दिख रहा है, सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। और क्या नज़ारा था सनसेट का है ना, सनसेट ही बोलते ना सूरज ढलने को, कमेंट में बता देना। और देखो काफ़ी ज़्यादा मस्त हाईवे लग रहा था यहाँ पे। तो अब जो है वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड करते हैं। इस तरह से राइड के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए रुके थे,
और देखो क्या सनसेट के साथ क्या बाइक का वीडियो आ रहा है यार। बाइक को जो ज्यादा भगा दिया, बहुत मजा आया भगाते। टायर देखो कैसे हो गए इसके काफी ज्यादा सुंदर लगा था ये नजारा मेरे को, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर। और ये वीडियो को जो है ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, यहीं पर जो है ये वीडियो को एंड कर दूंगा। गाड़ी को भगा भी ली, अब जो है आगे से जो है हम लोग निकल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और क्या नजारे हैं यार, बहुत खूबसूरत। The next day.